सो हे वोट सबसे वेलकम बैक टू यू चैनल सो आज की सवाल वीडियो के अंदर मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ हम लोग चलाउं सरल सीरीज एंड जैसे तुम सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग अपने पूरे डायमंड के ऊपर डायमंड आर्मर के ऊपर एंड स्क्वाड के ऊपर मैंडिंग लगाई थी जो जिसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ा था क्योंकि तुम लोग को पता होगा एक मैंडिंग हम लोग को विलेजर थर्टी सिक्स में जा रहा था एंड एक विलेजर हम लोग को थर्टी एट में जा रहा था हम लोगों ने थर्टी सिक्स वाले सी ली थी एंड अभी ना हम लोग को हम लोग के जो आर्मर वगैरह है एंड टूल्स वगैरह है उसके टूटने की दिक्कत कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग ने मैंडिंग लगे दी और अब हम लोग एक्सपी लेकर इनको तो जो रिपेयर कर सकते हैं बट एक्सपी कमी ना पड़ जाए इसीलिए आज की सारी वीडियो के अंदर मैं बना वाला वालों के एंडर मैन एक्सपी फार्म जिससे कि हम लोग को एक्सपी की कमी बिल्कुल नहीं बनने वाली है एंड वो बनने वाला पूरा एंड में सो मैं उसको बनाने वाला हूँ जाऊँगा मैं स्ट्रॉन्ग गोल्ड पर एंड मैं तुम लोग इसको तो अपने पास इलाइटा भी है तो हम लोग फोटाट यहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड उसी के लिए मैंने ऑफलाइन में बहुत सारा सामान कलेक्ट करा है तुम लोग इस, तो इस, तो इस वाले शर्कर बॉक्स में पूरे के पूरे यहाँ पर कॉबल्सून कोबेस्टून भर दिया एंड इसके अंदर बाकी जो बचा हुआ सामान है वह यहाँ पर रख दिया फिलहाल अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें यहाँ पर क्राफ्ट करनी है जो कि मैं अभी कर लूँगा एंड बाकी तुम लोग देखते अभी हम लोगों के पास और तो कोबल तो है नहीं तो जितने भी थोड़े बहुत

एंड मैं सब एक एक चीज़ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है हम लोग का स्ट्रॉग होल्ड आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ सब सामान एक ही साथ लेके जाऊँ कुछ भी रहना है इंची अगर कुछ भी रह गया एंड हाँ मैंने मैंनेडिंग इस पर भी लगा दी हम लोग इलाइट टाप पर ताकि ये भी रिपेयर हो जाए वरना ये टूट जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला है मेरे को ऐसे ही नहीं मिलता है भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा एंड बाकी जो भी कचरा सामान है ना जल्दी से मचाता हूँ एंड इसके अंदर मैं कचरा सारा भर देता हूँ जब भी सामान चाहिए था वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को इन्वेंटरी दिखाता हूँ पूरी इन्वेंटरी मैंने खाली करती है एंड बाकी जो शलकर बॉक्स है उनमें अपना अपना सामान ले लिया है एंड भी ले, ली, भी ले लिया एक बैट भी ले लिया है ताकि मैं के एक बार पॉइंट सेट कर कभी कुछ भी हो एक बार मरूँ तो पर दो रिस हो so मैं वहीं पर दोड भी रख लिया एंड अभी मैंने भी नोट कर लिया है टाइम जब लोग गए थे फर्स्ट टाइम मतलब स्ट्रॉग्ड में कोल नोट कर लेते हैं so सो अभी इस साइड हम लोग को जाना है सो so चलिए चलते हैं एंड मैं वहां पर पहुंचता हूँ देन तुम लोगों से मिलता हूँ ओके गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ स्ट्रांग होल्ड के अंदर लेटर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रा थी जल्दी से मैं इसने स्ट्रॉग ढूंढ लिया एंड मैं आ गया बाकी पोर्टल रूम ढूंढने बहुत देर लग गई क्योंकि मेरे को वापस में रास्ता भूल गया था फर्स्ट टाइम जब मिलाया था वो तो पोर्टल रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था अब मेरे को ना एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी है जहाँ से हम लोग बना पाए सो आई थिंक सो इस तरफ ही कोई बढ़िया ऐसी जगह मेरे को लग रही है जाकर ऐसा होना चाहिए कि नीचे कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए मतलब पूरा वर्ल्ड आना चाहिए ऐसा ब्लॉक मिलना चाहिए हम लोग को सो आई थिंक सो हाँ यहाँ से हो जाएगा हम लोग काम करते हैं वो वाला जो ब्लॉक है ना वहाँ पर चलते हैं एंड आई डोंट हंगर भाई इतना जल्दी भी खत्म हो रहा है आज बाकी तो वैसे होता नहीं है एंड अभी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जा रहा है एंड अभी हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर इस ब्लॉक को तोड़ना है एंड यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक एरिया बना देता हूँ ताकि मैं इजीली यहाँ पर खड़ा हो पाऊँ वरना मैं नीचे गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी एंड यहाँ पर मैं अपना छोटा सा एक रूम टाइप बना देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं शलकर बॉक्स वगैरह सब कुछ रख पाऊँ क्योंकि मैं जब नीचे जाऊँगा ना तो मेरे को वहाँ पर अभी नीचे आना है मैं वॉल में गिर आया खतरा रह सकता है सो दैट्स वाई मैं अभी अपना सारा सामान यहाँ पर रखूंगा एंड खाली मैं वाटर बकेट ही ले जाऊँगा सो अभी मेरे को लेना है इससे सामान एंड जो भी फाल सामान है ना अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ खास करके इलेक्ट्रा को भी यहाँ पर रख देते हैं एंड मैं अपने टूल्स को भी अभी यहीं रख रहा हूँ इनके अंदर रख रहा हूँ टूस को एंड अभी हम लोग को चाहिए दो स्टैक का ये लावा चाहिएगा हम लोगों को वाटर चाहिएगा एंड बाकी वाटर बाकी वाक टेक रहते हैं एक यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देते हैं एंड बाकी रॉकेट वग़ैरह है एंड मैं अपना आर्मर उतार के भी यहीं रखने वाला हूँ मेन चीज़ तो भाई आर्मर बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनता है इसलिए मैं भी इसको भी यहीं उतार के रखने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ बिल्कुल नीचे वॉइड की तरफ तो मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ इसलिए So, अभी हम लोग क्या करना है सबसे पहले हम लोग डालना है लावा अब यहाँ पर लावा डाल देंगे देन लावा को नीचे जाने का जब तक जितना भी नीचे आएगा ना लावा जब लावा नीचे आते हैं रुकेगा नहीं तब तक हम लोग को इन करना है तो जल्दी से एक बार इसको हम लोग नीचे आने देते हैं देन हम लोग आएगा काम करते हैं ओके सो जैसे तुम लोग इससे अभी हम लोग उस आईलैंड हम लोग वन लो ब्लॉक पीछे आ चुके हैं एंड अभी तुम लोग इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी मेरे को दोबारा से उस साइड ही जाना है क्योंकि उस साइड में पूरा पूरा सामान पड़ा हुआ है सो मैं एकदम ध्यान से चलकर बॉक्स को लेकर आऊंगा दोबारा से एंड यहाँ पर इनको प्लेस करूंगा एंड यहाँ पर मेरे को एक नाइन बाई नाइन का एरिया बनाना है सबसे पहले अपना सामान ले आता हूँ जिससे कि मैं अपना पूरा बना पाऊंगा कह तो कहते अभी ना मैं एकदम घिरते गिरते बचाऊँ क्योंकि मैंने एकदम इसी लैंडिंग कर ली थी यहाँ पर आने के लिए जल्दबाजी के चक्कर में मैं लाइट का यूज़ करके आ रहा था एंड अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे एंडम स्पॉन्च हो चुके आई डोंट नो क्यू यार अभी क्यों स्पॉन हो रहे हो यार यहाँ पर अभी स्पॉन मत हो एंड ये मेरे को नीचे गिरा देंगे भाई सीरियसली पहले काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक एरिया बनाता हूँ छोटा सा एंड मेरे को का एरिया बनाना है उसमें से वन ओके कई सो फिलहाल सुन लो रिस्टर चेस वगैरह और लगा के इसका कनेक्शन कर दिया है एंड अभी मेरे को पूरा नीचे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने एक को भी देखना तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा एंड अभी सबसे पहले हम लोग आगे काम स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग क्या करना है कॉर्नर पर आना है एंड यहाँ पर तीन ब्लॉक हम लोग ऊपर ले जाना है एंड जैसा हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नीचे बनाया है ना सेम वैसे ही प्लेटफॉर्म हम लोगों को ऊपर है अब भाई यार पूरा आंखों में आ रहे हैं तो एकदम से अब इनको कुछ ना कुछ करके यहाँ से भगाना पड़ेगा एंड भाई उसने को देख लिया सीरियसली इनको मारना ही पड़ेगा भाई मुझे ओके okay, एक को तो मैंने वर्ड में गिरा दिया है दूसरा भी गया नाइस ओके okay, सो so अभी आई थिंक सो स्पॉन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉर्च वगैरह लगा दी है और मैं एक दो तो स्कॉन में टॉर्च लगा देता हूँ सो so अभी स्पॉन ये होंगे एंड जब भी जल्दी से सही एरिया कम्प्लीट करता हूँ देन हम लोग आगे का काम करते हैं ओके okay, सो so अभी ना लिटरली मेरे पे एक कम पड़ी है भाई यहाँ पर एक कारपेट में, में कम पड़ी है एक कारपेट में इतना अंदाज से मैं लेकर आया था एक कारपेट यहाँ कम पड़ गया एंड बाकी मेरे को होपर भी लगाए थे तो आई थिंक सो हम लोग को उसके लिए घर पे जाना पड़ेगा बट आई थिंक यार ये वाला प्रोस इतना छोड़ी नहीं एक रह गया एक चलता है इतना सो so, मैं इसको कलेक्ट करता हूँ एंड अभी हम लोग को क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोग को दो ब्लॉक ऊपर लेना है एंड जो हम लोगों ने बाउंड्री थोड़ी ना सेम इस बाउंड्री को हम लोग करना है सबसे पहले मैं तुम हम लोग को एक बताया बताता हूँ कुछ इस टाइप से हम लोग स्क्वायर बनाना है जहाँ से ये पूरा पूरा चैम्बर बनेगा जैसे एंडम एन गिरने वाला है सो वही हम लोग को यहाँ पर बनाना है एंड यहाँ से मैं जल्दी ही कर लेता हूँ इसको एंड हम लोग को इसको इधर से कनेक्ट करना है एंड जो नीचे ब्लॉक लगाना है मैं उनको इसको भी तोड़ देना है काम करता हूँ यहाँ से तोड़ता हूँ सबसे पहले ओके okay, सभी so अभी तुम लोग जैसे तो ये रिंग बन चुकी है एंड अभी ना हम लोग को वाई फोर्टी फोर को ओरियन बनाना है अभी मैं F3 करता हूँ जल्दी से एंड मैं अपना थोड़ा रिकॉर्डर का साइड में रख देता हूँ एंड यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जाना है Y को ऑरियंटेड अभी हम लोग का सिक्स है हम लोग को इस पूरी रिंग को फोर्टी तक बनाना है मतलब एक ही ब्लॉक छोड़ के ऐसी कुछ इस तरीके से स्क्वायर बनाना है रिंग तो क्या बोल रहा हूँ मैं भी सिक्स अभी तुम लोग तो हम लोग का सिक्स है अभी हम लोग वाई फोर्टी तक बनाना है सो जल्दी से मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है देन डायरेक्ट मैं तुम लोग को मिलता हूँ

बिल्चिन ट्राविस हॉस्पट दोस्तों का है जी ये प्यारा जम घर बॉफ द बिल्ड दिखाएंगे बॉफ द बिल्ड कर के दिखाएंगे बॉफ द हाँ, हाँ, स्कूप दीदी रोली के साथ लॉक और बंदी ने बढ़ाया हाथ बाबर साथी मस्ती में मगन मिल चुल के करते हैं काम खत्म फाइनली जो बिल्डिंग का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड यार तुम लोग देखो भाई चारों तरफ बस एंडर ही एंडर है लिटरी इतना डर लग रहा था मेरे को बनाते हुए ये जो ऊपर का मैंने बेस बनाया तुम लोग है तो जहाँ पर पूरे स्पॉन हुआ है इसको बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे पास सब था भाई लाइट आर्मर में पहन के बना रहा था एंड अगर हम सब मैगन वॉइड में गिर जाता ना भाई सब चीज़ चली जाती एंड अभी फिलहाल जो चरकर बॉक्स थे मे वहाँ पर रख दिए एंड होता है मेन काम जिसे वर्क करने स्टार्ट करेगा अब उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत एंडर बल चाहिए ये चाहिए आयरन बार चाहिए एंड नेम टेक्स चाहिए हम लोग को ये चाहिए एंड हम लोग कुछ टेम्परी ब्लॉक ऑलरेडी है हम लोग के पास ये एंड मैं भाई यार यहाँ पर एक मेरे को कारपेट भी चाहिए था जो कि यहाँ पर हम लोग के पास कमी पड़ जाने वाली है बट हाँ एक चीज मैं टेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर ही बनाकर उसको टेस्ट करता हूँ एंड ये जो पूरा एरिया ना यहाँ पर हम लोग को ट्रैप डोर है ताकि इसके अंदर ट्रैप होकर इधर नीचे गिर जाए यहाँ पर हम लोग को तीन है हम को एक इधर लगाना है एक इधर लगाना है एंड देख देखो ये गिरना तो अभी स्टार्ट हो गए भाई मेरे को मत गिरा देना तुम भली डोर हम लोग लगाते तो पता होता है यहाँ पर ब्लॉक है पर यहाँ पर कोई ब्लॉक होता नहीं है सो ये नीचे गिर जाते हैं तैयार हम लोग लगाने वाले हैं एंड भाई अभी तो हम लोग को पूरा काम बना भी नहीं है एंड अभी से ही नीचे गिर रहे हैं सभी नाम मेरे को एक मिड में एक ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरीके से एंड इसकी हाइट रखनी है मेरे को तीन ब्लॉक सो तो यहाँ पर एक दो ओके सो तीन ब्लॉक हाइट रखने के बाद हम लोग इसके ऊपर आयरन बार रखना है आयरन बार रखने के बाद हम लोग को इसके ऊपर एक और ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरीके से एंड हम लोग को दो इसको रख देना है एंड दो ब्लॉक कुछ इससे इस से लग गए देन इसके चारों तरफ ना हम लोगों को पूरा कवर करना है एक बार अच्छी तरह से कवर करना है क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग स्माइट एंड स्पॉन करने वाले हैं एंडर माइट को सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं इसको यहाँ पर पैक एंड अभी हम लोग कारपेट का था आ, मतलब जो रोड थी वो इस तरफ है ओके सो so, यहाँ पर हम लोग इस के इसके इस वाले ब्लॉक के नीचे रोड है सो so, यहाँ पर हम लोग को ना ये इसको स्पॉक मतलब एक रेल लगानी है देन तो हम लोग दोबारा से कुछ ब्लॉक लगेंगे यहाँ पर मेरा एंड स्टोन तो खत्म हो गया इसको हम लोग और कवर कर देंगे एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग घर बना रहे हो फार्म को सो तुम लोग मेरे से देखते हो एंड अभी ना हम लोग को हर चीज रेडी रखनी है क्योंकि जैसे एंडामेट स्पॉन होगा सो हम लोग उसको नेम दे दे देना है एंड डायरेक्ट उसको माइंड कार्ड बैठाना है सभी हम लोग स्पॉन करने के लिए एकदम यू कॉर्नर पे हम लोग को मारना है एंड अपल आई नो चार में होगी यानी ओके चार में यहाँ पर स्पॉन हो चुका है सबसे पहले ना अपना ये पहन लेता हूँ आर्मर ओके सब इसको मेरे को नेम देना ये दी दिया, नेम, को ये, इसमें, इसमें है ये दीदी मैं ने अभी इसमें बैठा रहता हूँ बैठ जा अरे बैठ जा जाके सो अभी इसके अंदर ये बैठ चुका है एंड अभी मेरे को क्या करना है इस माइंड कार्ड को तोड़ना है एंड अभी मेरे को इसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ना है सबसे पहले मैं एक बार बाहर जाता हूँ एक मैं कर करता हूँ कि इसके नीचे वाला ब्लॉक यही है या दूसरा है ओके okay, सो so तुम लोग जैसे अभी जो एंड 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 है ना इसकी तरफ एट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए अभी मेरे को इस ब्लॉक को तोड़ना है एंड देखते तो भाई एकदम से इसको जैसे ही तोड़ा एंड यहाँ पर जितने भी एंडर मैन है सारे बस एकदम नीचे या जाने वाले हैं इससे होगा कि सारे जो एंडर होंगे वो एंडर माइट से यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाले हैं एंड जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे इसको देख एंड ये नीचे गिर जाएंगे एंड तुम लोग सकते हो अभी मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा रखा है इसलिए अभी घिड़ नहीं रहा है एंड अभी फिलहाल ना मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि अभी यहाँ पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम लोग टोटली काम यहाँ पर पूरा हो चुका है सो so, अभी तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोग को इसको लगा दिया है एंड इसको भी हम लोग को तोड़ देना है सो so, अभी तुम लोग दोस्तों भाई ये सारा एंडरमैन का दिमाग खराब हो गया है एंड ये सब एंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगे मतलब एंडरमाइट की तरफ एंड सब नीचे चले जाएंगे एंड भाई ये अटक क्यों रहा है अटक रहा है क्या हो रहा है ओके सो अभी हम लोग एकदम काम हो चुका है पूरा कंप्लीट हम लोग अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों भाई शलकर बॉक्स पूरा एकदम सब खाली हो चुका है एंड मैं जल्दी से यहाँ पर इन सबको कलेक्ट कर देता हूँ एंड डायरेक्टली मैं नीचे चल रहा हूँ

इट्रेली मैं वो रोना आ रहा भाई मैंने क्या कर दिया बट हाँ यार आप लोग को टेंशन कोई लो नहीं कोई जरूरत नहीं हम लोग रुकेंगे नहीं ऐसी यार छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है हम लोग के साथ बट मेन चीज़ भाई किस्मत देखो मेरा इलेक्ट्रा बच गया भाई मतलब यार एक मुश्किल आया था ना और भगवान ने इसको बचा दिया एंड यहाँ पर हम लोग को इलाइटर तो बच चुका है बट हाँ सारा आर्मर चला गया खाली बस यहाँ पर आर्मर के नाम पे बूट पड़े हैं एंड मेरी पूरी पिकेस चलेगी वैसे मेरे को जब मैंने मकोबस माइंड किया था तो मेरे को बहुत सारे डायमंड मिले थे अपना तो पूरा आर्मर तो बना लूंगा फिलहाल अभी हम लोग इसको मारना स्टार्ट करते हैं भाई एक्सपी तुम लोग देख रहे हो भाई तुम लोग को आवाज़ नहीं आ रही होगी एक्सपी कितनी फास्ट बढ़ रही है भाई सीरियसली एक बार मैं यहाँ पर मर रहे हैं एंड एक्सपी देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा आ जा रही है आ जा रही है मतलब दो हिट में दस से पार हो गई भाई सीरियसली मजाक कर रहे हो इनको और मारता हूँ ओके भाई इतने सारे एंडरमैन वैसे हम लोगों का कुछ नु, बहुत नुकसान तो हो गया इसको बनाया टाइम बट हाँ अब हम लोग को इजीली इंचेंट भी कर सकते हैं हम, हम लोग को आई कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड मैं यहाँ पर ही पूरा सेटअप बनने वाला हूँ तुम लोग देख सकते हो ईजिली बहुत सारी एक्सपी बढ़ रही है एंड यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत करता हूँ एंड भाई एंडर पर तुम लोग देखो तो भाई भरा गई है एंड भाई मतलब रुक ही नहीं रहा भाई आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं बस एक्सपी भी आए जा रही है बस रुकने का नाम ही ले रही है एंड यहाँ पर एक मिनट के अंदर हम लोग की शायद थर्टी से पार एक्सपी हो सकती है एक मिनट क्या भाई और भी ज़्यादा है हम लोग को थोड़ा दूर रहना चाहिए एंड लैग भी बहुत ज़्यादा होने लग गया एक बार थोड़ी बहुत एक्सपी को आ आंद देते हैं एंड भाई ये बंदा यहाँ पर कहाँ से आ गया एंड थोड़े बहुत ना तुम तो लोग तो यहाँ पर भी कैसे स्पॉन हो रहा है आई डोंट नो एंड भाई यार लिटरली इसको बनाने का बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सपी फार्म है ये वो तो मैंने लगी ना वो सारी वसूल हो गई इस फार्म को बनाने से एंड ट्वेंटी सिक्स तो हो चुका है एंड मैं और मारता हूँ और एक्सपी मिल रही है भाई बहुत ज्यादा सही एक्सपी फार्म है ये वाला लिटरली भाई अभी तुम लोग तो इस अभी पूरा खाली हो चुका है अच्छा बहुत थोड़ा बहुत खाली हो गया थोड़ा बहुत लैक भी कम होगा एंड अभी पूरी ठर्टी हो जाएगी एंड मैं काम करूँगा ऑफलाइन में ना मैं यहाँ पर एक इंटेनमेंट सेटअप भी बना दूँगा पूरा ताकि मैं यहीं सेक्स पी लूँगा और यहीं पूरी इंटर्नमेंट कर दूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि बार बार मैं वहाँ पर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी सो so, अभी हम लोग इनको मारते हैं एंड थोड़ी बहुत मैक्स पर भी कलेक्ट करते था ओके लिए लिया छोटी सी वीडियो एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ मैं ऑफलाइन में ग्राइंड करके थोड़ा आर्मर बना दूंगा तुम तो लोग टेंशन मत लेना एंड वो मैं इजीली ले, ले लूंगा मैं नेम वगैरह में ट्रेड कर लूँगा वीडियो से सो तो फिलहाल आज के बीच नहीं एंड मैं मिलता तो हूँ तुम लोगों से ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग बाय बाय